राज्य स्तरीय अंतर शालेय तैराकी एवं वाटर पोलो प्रतियोगिता का आयोजन अंबिकापुर में किया गया, जिसमें दुर्ग जिले के ग्राम पवारा के शासकीय स्कूल के विद्यार्थियों ने भी हिस्सा लिया और इन दोनों ही प्रतियोगिता में अपने स्कूल और गांव का नाम रोशन किया। ग्राम पवारा दुर्ग के विद्यार्थियों ने एक बार फिर अपने गाँव और स्कूल का मान बढ़ाया है, जिसके तहत अंबिकापुर में आयोजित हुए राज्य स्तरीय अंतर शालेय तैराकी एवं वाटर पोलो प्रतियोगिता में अव्वल स्थान प्राप्त किया है। आपको बता दें कि वाटर पोलो की टीम में कुल 13 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें दुर्ग जिले की टीम में 6 खिलाड़ी ग्राम पवारा के हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के बच्चे अपने तैराकी का अभ्यास गांव में बने तालाबों और नदियों में करते हैं और इसी अभ्यास के बदौलत इस प्रतियोगिता में गांव के बच्चे ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। साथ ही वाटर पोलो खेल में सागर साहू लगातार 2 वर्षों से बेस्ट फॉरवर्ड खिलाड़ी का खिताब अपने नाम करते आ रहे हैं। इन सभी के वापसी पर स्कूल प्रांगण में इनका भव्य स्वागत सम्मान किया गया और इनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की गई। विद्यालय के प्राचार्य ने अंबिकापुर में हुए प्रतियोगिता एवं उसमें अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के बारे में मीडिया को जानकारी दी। हमारे विद्यालय के 4 विद्यार्थी जो है वो तैराकी वाटर पोलो में, उसमें अंबिकापुर में उन्होंने राज्य स्तरीय टूर्नामेंट में जिले का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें कि उन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। और इसी प्रकार से हमारे 2 विद्यार्थी जो है, एक खो खो में बॉयज़ में दवेश और एक गर्ल्स में हमारे यहाँ की जो ये है क्या प्यून, उसके बच्चे थे और उन्होंने जो है खो खो में नारायणपुर में जिला स्तरीय टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया, प्रतिभागी रहे और उसमें दोनों ही बॉयज़ और गर्ल्स का जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें हमारा जिले का स्थान प्रथम रहा। चूँकि हमारे यहाँ ये गतिविधियाँ साल भर चलती हैं, हमारे यहाँ एक जय हिंद स्पोर्ट्स क्लब का गठन किया गया है जिसके द्वारा इनको कोचिंग दी जाती है, तो हमारे जो विद्यार्थी हैं वो उनकी कोचिंग से लाभान्वित होकर राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न टूर्नामेंट में जो है लगातार पिछले कुछ वर्षों से पार्टिसिपेट करते चले आ रहे हैं। और NIS कोच हमारे पास इस ज़िले में एक ही है, वो तामेश्वर गंगोरी जी, उनके द्वारा प्रशिक्षित किए जाने से विगत 2-3 वर्षों से वाटर पोलो में हमारे यहाँ का प्रतिनिधित्व, हमारे विद्यालय का प्रतिनिधित्व जो है राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में होता रहा है। तो खेलों के साथ साथ आज जैसा कि आपने देखा कि वुमेन्स एम्पावरमेंट पर हमारे द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें कि पुलिस विभाग और बाल विकास विभाग के सहयोग से एक बहुत ही बढ़िया अवेयरनेस से संबंधित एक प्रोग्राम किया गया। इसी प्रकार से हमारे यहाँ विद्यालय में लगातार गतिविधियाँ चलती रहती हैं, जिससे कि विद्यालय लाभान्वित होता रहता है। धन्यवाद। गौरतलब है कि ग्राम पवारा छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री तामजा साहू का गृह ग्राम भी है, परंतु अब तक यहाँ के हुनरमंद खिलाड़ी आज भी संसाधनों के अभाव में जी रहे हैं, बावजूद इसके अपने कड़ी मेहनत से अपने गाँव और स्कूल का नाम रोशन कर रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।